वो पूछ रहे हैं कि जो स्पेशली ये कोरोना काल के लिए पूछ रहे हैं कि कोरोना में वरिष्ठ वैष्णव या इस्कॉन भक्त को क्यों प्रभावित करता है। जैसे कहा जाता है कि हर बीमारी प्रारब्ध या कर्म से आती है, और महान वैष्णवों के तो कोई ऐसे प्रारब्ध कर्म नहीं होते, तो कैसे प्रभावित हो जाते हैं और इस भौतिक जगत से चले जाते हैं। भक्त हमारे लिए, जो भी व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण कर रहा है वो हमारे लिए आदरणीय होता है, उतना ही आदरणीय होता है जितना कि अन्य आत्माएं जीव। अगर हम में इतनी क्षमता है कि हम महान भक्तों को पहचान पाते हैं, तो उतनी एक कम से कम वैसी दृष्टि हमारे पास, महानता जानने की दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए। तो कम से कम महान क्या है इसकी परिभाषा हम जानते हैं, अर्थात हम में भी कुछ महानता होनी चाहिए। तो जब भी कोई व्यक्ति कहता है ना कि ये महान भक्त हैं, तो उसका अर्थ ये निकलता है कि भाई उसकी पहचान अगर आपको है तो आप में भी कुछ महानता है। तो कोई भी भक्त जो है ना, अपने आप को कभी महान नहीं मानता है, क्षुद्र मानता है, निम्न मानता है, गौण मानता है। तो महान भक्तों को ऐसा क्यों होता है, महान भक्तों को वैसा क्यों होता है, ये प्रश्न योग्य नहीं है। प्रश्न यह है कि हर जीव को समस्या क्यों आती है, सिर्फ महान भक्तों को आती क्यों आनी चाहिए प्रश्न नहीं होना चाहिए। जीव को समस्या क्यों आती है, करुणा काल में सब कोई क्यों पीड़ित है? उत्तर एक ही है, जन्म। जातस्य ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका मृत्यु हुआ है जन्म निश्चित है, जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है। तो कोई भी व्यक्ति इस संसार में हो, अगर जन्म लिया है अर्थात शरीर धारण किया हुआ है, तो उसे मृत्यु आती ही है। मृत्यु आने के कारण शरीर जीर्ण होना, शरीर का जीर्ण होना, ये या तो शरीर के धातु तत्व जो हैं जीर्ण हो जाए इसलिए होता है, या फिर धातु तत्व को जीर्ण करने के लिए कोई जंतु या कोई रसायन जब प्रवेश करता है शरीर में तो शरीर के तत्व जीर्ण हो जाते हैं। जीर्ण का मतलब होता है वो कमजोर हो जाते हैं। तो अगर जन्म ही नहीं लेंगे तो मृत्यु नहीं होगी, और अगर मृत्यु नहीं है तो मृत्यु तक पहुंचने के जो कारण है जीर्ण होना वो नहीं होता, और जीर्ण अगर नहीं हो रहे हैं तो जीर्ण होने का जो एक कारण है कि अन्य जंतुओं द्वारा व्यक्ति बीमार हो जाता है वो भी नहीं होता। तो कोई भी व्यक्ति हो, आपके परिभाषा जिन्होंने प्रश्न पूछा उनके परिभाषा से वो शायद महान भक्त है, जन्म लिया है ना, तो शरीर अपना धर्म भूलता नहीं, शरीर को मृत होना ही है, और मृत होने के लिए शरीर को जीर्ण होना जरूरी है। तो परेशानी आती क्यों है, यह मूलतः प्रश्न होना चाहिए। भेद नहीं करना चाहिए कि महान भक्तों को भी क्यों आती है, जबकि वो जो भी हम सोचते हैं हमारे मन से लगता है कि वो तो परे हैं, ये हैं वो हैं। शरीर अगर धारण किया है तो शरीर की जो यात्रा है वो तो होने वाली है। तो परेशान इससे नहीं हुई है, परेशान इस बात से हुई है कि इस संसार में जन्म मृत्यु से, जरा और व्याधि बीमारी से हर कोई पीड़ित है, इस समस्या का हल क्या है। जैसे इस चीज से आप परेशान होंगे तो हल पर आपका ध्यान जाएगा। हल मतलब उसका, उससे मुक्त होने का मार्ग क्या है। मुक्ति के मार्ग में आप लग जाएंगे तो आप भी जो है जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे, और जो जिनको हम महान मानते हैं या अन्यथा जो महान नहीं है, वो शायद हमारे उदाहरण से, अन्य लोगों के उदाहरण से, या स्वयं के अनुभव से भी जन्म मृत्यु से, चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए जो हम प्रक्रिया करते हैं उस पर
पूरा ध्यान लगाए। सेवा हम श्री भगवान की करें, श्री भगवान की सेवा पूरी अच्छे से तभी होती है जब भगवान की सेवा करने वाले अन्य लोग भी जो है सेवा कर पाए। इसलिए हम भक्तों के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा करते हैं।